ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बलरामपुर की, जहां पिता ने की मासूम बेटे की हत्या। आगे बात करेंगे गिरिडीह की, जहां वाटरफॉल में नहाने के दौरान डूबने से देवघर निवासी दो छात्रों की हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बकानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने निजी मेडिकल प्रयोगशाला कांचा लैब पर दुकान के सामने लगे कांच के शीशे दरवाजे तोड़कर लाठियों से हमला करने पर कार्यरत कर्मचारी हुआ चोटिल। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर थाना प्रभारी, स्टाफ पहुंचे। लेखराज पाटीदार लेबोरेटरी के मालिक ने अवगत कराया कि व्यक्ति द्वारा की गई तोड़फोड़ के कारण कोई खुलासा नहीं हो पाया है। पुरानी रंजिश नहीं थी, पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। बकानी से सीनियर संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पिता ने अपने 4 साल के मासूम बेटे की हत्या कर दी है, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पूरा मामला शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत महुआडी का है। देर रात एक व्यक्ति ने अपने बेटे की हत्या धारदार हथियार से गला रेत कर दी। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि उसके कानों के बारे में किसी की आवाज़ आ रही थी कि नर बलि चाहिए। उसने पहले एक मुर्गी की बलि चढ़ाई, उसके बाद अपने बेटे की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई कर रही है। आज दिनांक 26/5/2024 के 4:30 बजे मेरे मोबाइल फोन से सूचना मिला कि ग्राम महुआडी में नगेशपारा में एक बच्चा की हत्या हो गया है। सूचना पर मैं अपने स्टाफ दल बल के साथ गया और वहाँ पहुँच कर इंद्रमणि नगेशिया है उससे पूछताछ कर उसका FIR लिया मौके पर। तो उसने बताया कि मेरा पति कमलेश नगेशिया है, वो रात 10 बजे आसपास अपनी माँ को मारने के लिए बाल पकड़ लिया था और मारने के लिए उसको हुआ तो इस आरोपी कमलेश नगेशिया के पत्नी इंद्रमणि और उसका देवर नीलेश दोनों उसको छुड़ा लिए। फिर डर से सुखमणि और नीलेश दोनों भाग गए दूसरे घर में। तब इंद्रमणि जो है अपने घर में ही आंगन के पास बैठी थी, बच्चे लोगों को सुला दी थे रूम में। फिर रात 12:30 बजे अपने कमरे में जाकर सो गए बच्चों के साथ में। उसी समय बीच में रात करीब 1 बजे कमलेश नगेशिया अपने बड़े लड़का अविनाश को उठाकर आंगन में ले आया और धारदार छुरी से उसको गला रेत कर हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद वहीं पास लगा खेत में शव को छुपा दिया था। उसी बीच उस पत्नी जगी, उस छोटे बच्चा रोने लगा वो जगी और देखी तो उसका बच्चा अविनाश नहीं था बिस्तर में। तब फिर दौड़ के निकली आंगन में तो उसका पति कमलेश था। कमलेश से पूछा कि मेरा बड़ा लड़का कहाँ है, तब वो बताई कि बच्चा को मारकर हत्या कर दिया हूँ और खेत में रख दिया हूँ। बताया इशारा करके बताया कि वो खेत तरफ है। जब उसने माँ फिर जाके खेत में देखी तो उसका बच्चा मरा पड़ा था, गर्दन अलग था, धड़ से अलग हो गया था। फिर वो डर से दौड़ के अपने छोटे बच्चा को लेकर भाग कर सीधे सुरेंद्र गौड़ के यहाँ चली गई। तो वहाँ घटना की बात बताई थी। हत्या को ऐसा था कि इसका 2 दिन से उसका तबीयत ठीक नहीं था, जिसका झाड़फूँक का इलाज देहाती झाड़फूँक इलाज करा रहा था। अब ये तो नहीं कह जा सकता अंधविश्वास है क्या है, लेकिन अपना तबीयत खराब था और 2 दिन से इलाज करा था। बता रहा था कि मेरे कान में कुछ चीज़ का बजने का आवाज़ आ रहा है और पूजा दो ऐसा करके आवाज़ आए तब अब मैं अपने बच्चा को हत्या कर दे ऐसा करके आरोपी बताया है। एक मुर्गी को भी मारा था। हाँ, उसने बताया कि एक मुर्गी को भी मार के मैं पर रख दिया हूँ अपने घर में बच्चे के पास। बलरामपुर से सीनियर संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। बुरहानपुर में मुंबई के घाट कोपर में होर्डिंग हादसे में 14 लोगों की मौत के बाद 70 से अधिक लोगों के घायल होने के बाद सशक्त पत्रकार समिति प्रदेश अध्यक्ष समाजसेवी उमेश जांगले ने सर्वप्रथम बुरहानपुर में विभिन्न क्षेत्रों में लगे होर्डिंगों को मुख्यमंत्री, कलेक्टर, निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव से पत्र के माध्यम से मांग की कि मुंबई जैसी घटना बुरहानपुर में नहीं हो, इसलिए शहर में लगे समस्त होर्डिंगों को मानसून लगाने के पूर्व तत्काल हटाया जाए। शिकायत का असर अब बुरहानपुर में देखने को मिला। नगर निगम आयुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शहर में लगे समस्त वैध अवैध लगभग 150 होर्डिंग निकाले और कार्रवाई को लेकर होर्डिंग एजेंसी और मालिकों को नोटिस जारी कर स्वयं अपनी इच्छा से 3 दिन में होर्डिंग निकालने को कहा, जिसके बाद होर्डिंग माफियाओं में हड़कंप मचा है। वहीं प्रदेश की सबसे बड़ी पहली निगम द्वारा ये कार्रवाई बुरहानपुर में की जा रही है। मुंबई के घाटकोपर के अंदर आज से कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा होर्डिंग गिरा था, जिसके अंदर 14-15 लोगों की मृत्यु हुई थी और 55 से 60 लोग घायल हुए थे। तो उस चीज़ को देखते हुए बुरहानपुर के सशक्त पत्रकार समिति के प्रदेश अध्यक्ष उमेश जंगाले जी ने एक नगर निगम को, एक कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन दिया था, जिस ज्ञापन के लिए राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा ने भी उनका समर्थन किया था
और उसकी उस चीज़ को सब देखते हुए उन्होंने कार्रवाई आज चालू करी कमिश्नर साहब ने, उसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ और साथ ही उमेश चंगाले जी का भी, कमिश्नर साहब का भी और नगर निगम प्रशासन का भी कि उन्होंने उक्त ज्ञापन की कार्रवाई आज से चालू कर दी। एक बार फिर से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, कुछ दिन पूर्व मुंबई के घाटकोपर में एक घटना घटित हुई थी जिसमें होर्डिंग गिरने से 14 लोगों की मृत्यु और 70 से अधिक लोग घायल हो गए थे। उस मामले को, उस जो है कि घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए मेरे द्वारा आयुक्त महोदय को एक शिकायत की गई थी। शिकायत में उनसे निवेदन किया गया था कि बुरहानपुर में भी ऐसी घटना नहीं घटित हो, इसलिए बुरहानपुर में लगे समस्त होर्डिंगों को हटाया जाए। आयुक्त महोदय ने मेरी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उक्त मामले को, मुंबई वाले मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए उन्होंने आज से ये कार्रवाई प्रारंभ की है। आप देख सकते मेरे पीछे कई होर्डिंग मालिकों ने अपनी स्वेच्छा से भी होर्डिंग हटाना चालू कर दिए। ये जो शहर की सुंदरता को मुँह चिड़ा रहे थे होर्डिंग, ये इनसे कई बड़ी घटना घट सकती थी। आज ये शहर में से हट जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये एक जनहित का मुद्दा था। आयुक्त महोदय ने हमारी मांग को पूरा किया, इसके लिए हम उनका हृदय से धन्यवाद अदा करते हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आगे भी सतत ऐसी कार्रवाई अपनी जारी रखें। और ये जो फ्रेम इन्होंने हटाई है, ये इसके साथ में इनके जो खंभे गड़े हुए वो खंभों को भी निकाला जाए, मेरी ऐसी नगर निगम से मांग है। मैं उमेश जंगाले, सशक्त पत्रकार समिति, प्रदेश अध्यक्ष। ये शिकायत पे कॉग्निजेंस लिया है और जो मुंबई का घटनाक्रम था वो भी उनको संज्ञान में था, तो उसके आधार पे शहर में अभी वर्तमान में जितने भी होर्डिंग्स लगे हैं सभी जो अनुमति प्राप्त हों या बिना अनुमति के सभी को हटाने के लिए नोटिस जारी हो गए हैं और उनको क्रमशः हटाने की कार्रवाइयाँ भी निगम ने प्रारंभ कर दी है। पहली अपेक्षा ही की गई कि जिनके होर्डिंग स्वयं के हैं उसे हम हटाएंगे। नगर निगम अधिनियम में आउटडोर मीडिया रूल्स बने हुए हैं जिसमें व्यवस्थित तरीके से और सुरक्षित स्थानों पर जो यातायात के हिसाब से भी सुरक्षित हों और जो जनस्वास्थ्य के लिए भी सुरक्षित हों, ऐसे स्थानों पे विधिवत होर्डिंग लगाने का प्रावधान है। तो अभी जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट समाप्त होगा MIC की मीटिंग में हमारा ये प्रस्ताव आउटडोर मीडिया रूल्स के हिसाब से होर्डिंग लगाने का जा रहा है और इसकी स्वीकृति लेके नए सिरे से होर्डिंग्स की अनुमतियाँ दी जाएंगी, लेकिन उसके पहले जो भी पुराने होर्डिंग्स लगे हैं उन सभी को हटाने की कार्रवाई निगम स्तर पर चलेगी। सर, इसमें जैसे कुछ ये भी हमको जानकारी लगी कि जो मकानों पे बिना अनुमति के जो एडवर्टाइज वगैरह कर रहे, जो विज्ञापन कर रहे, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स वगैरह? डेफिनेटली आउटडोर मीडिया रूल्स में इन बातों का भी प्रावधान है कि किसी भी विज्ञापन के लिए वो किसी के मकान की दीवार हो, किसी के बाउंड्री वॉल हो और जो दुकानों पे एक निर्धारित साइज का बोर्ड होता है उसके अलावा अन्य तरह के सभी जो विज्ञापन हैं वो निर्धारित शुल्क आरोपित करने के बाद ही लगाए जा सकते हैं और उसकी विधिवत निगम से अनुमति लेनी चाहिए। और हमने अपनी एजेंसी के मार्फत ये सारा सर्वेक्षण भी शहर में करा लिया है कि किन किन जगहों पे इस तरह के विज्ञापन लिखे हैं, उन सब में भी निगम की अनुमति और निगम को शुल्क देय होगा, ये सभी विज्ञापनदाताओं के लिए। सर, इसमें जो अभी होर्डिंग हटाने वाले जैसे नए पुराने अवैध और वैध, तो वो उसकी कितनी संख्या हो सकती है कुल? ये लगभग 124 होर्डिंग्स हैं शहर में जो अनुमति प्राप्त थे, इसके अलावा कुछ 24 के आसपास अवैध होर्डिंग थे जिनको अभी बीच में हम हटा चुके हैं। तो मोस्टली अभी जो बचे हैं वो अनुमति प्राप्त होर्डिंग हैं, तो इनकी अनुमतियां भी हम निरस्त कर रहे हैं और उनको भी हटाने के लिए नोटिस दिए जाए। सर, इसके बाद में जो होर्डिंग लगाने की जो प्रक्रिया, तो वो उसमें कितने होर्डिंग लगाने की निगम अनुमति देंगे? इसके लिए एक विशेषज्ञ संस्था से हमने एक सर्वे कराया है और शहर में लगभग 75 लोकेशन ऐसी अलग अलग स्थानों पर उन्होंने चिन्हित की हैं जो जन सुरक्षा और यातायात के हिसाब से होर्डिंग लगाने के लिए उपयुक्त हैं। और कोशिश ये रहेगी कि इन स्थानों पर भी हम यूनिपोल्स लगाएं और इन यूनिपोल्स का जो स्ट्रक्चर है वो किसी प्रॉपर स्ट्रक्चरल इंजीनियर से अप्रूव्ड हो ताकि वो जन सुरक्षा के हिसाब से कहीं खतरनाक ना हो, आंधी का बोझ झेल सके, ये सारे सुरक्षात्मक प्रावधान भी किए हैं। सर, जैसे इंदौर के अंदर बुरहानपुर से सीनियर संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। झारखंड के गिरिडीह स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उसरी वाटरफॉल में नहाने के दरमियान गहरे पानी में डूब जाने से देवघर निवासी दो छात्रों की मौत हो गई, जिसके बाद
वहां स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर सदल बाल घटना स्थल पर पहुंचकर गोताखोरों की सहायता से दोनों युवकों को पानी से बाहर निकाला गया, जहां दोनों को सदर अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टरों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया है। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही दोस्तों और उनके पड़ोसी ने घटना की विस्तृत जानकारी दी। आपका? मेरा क्रिश कुमार। क्रिश कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? देवघर। देवघर कहाँ, टाउन के हैं कि कहीं और से? देवघर में राम मंदिर। राम मंदिर के रहने वाले हैं। कितने लोग आप लोग आए थे यहाँ गिरिडीह? नौ लोग। किस लिए आए थे? पिकनिक मनाने। पिकनिक मनाने। तो आप लोग अपना फ्रेंड सर्कल में आए थे कि कैसे आए थे? ट्यूशन से। ट्यूशन, जहाँ पे कोचिंग करते हैं। तो ये छुट्टी मनाने का प्रोग्राम आप लोगों का था या कोचिंग सेंटर का? हम लोग ही सर को बोले थे। आप लोग ही सर को बोले थे? 11 में हम लोग रिजल्ट निकला था। अच्छा। बढ़िया रिजल्ट लाए तो बोले चलो आते हैं कुछ के। मतलब पार्टी वार्टी मनाने के लिए आप लोग यहाँ? बस आप वही पिकनिक। ये घटना कैसे हुआ? ये नहा रहा था, नहाते नहाते आगे बढ़ गया। हमसे घटना के बारे में हम उतना नहीं जानते, हम काहे कि किनारा में थे, बगल में था पूरा, मतलब उसी। आप लोग नौ लड़कों में कोई भी तैरना जानते थे? कोई नहीं। कोई नहीं, तो पानी का गहराई में कैसे चले गए? वो दोनों गए, बाकी कोई नहीं गया था। ये घटना के बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? अचानक हम लोग को भी देवघर में पता चला कि ये लोग सवेरे छुट्टी मानिए या फिर खुशी के मारे मानिए कि ये लोग ये जो फॉल है यहाँ पे वाटरफॉल वहाँ पे ये लोग पिकनिक मनाने के लिए आए। इनके कोचिंग के संचालक सह 5-6 लोग और ये लोग अपने स्टूडेंट थे, सभी दोस्त लोग। तो ये आए अचानक, ये नहाने समय ये घटना घटी देवघर में हम लोग को पता चला। तो अचानक हम लोग वहाँ से निकले, रास्ते में हम लोग को पता चला कि दो बच्चे की वहाँ मौत हो गई है। दो बच्चे में एक हमारे भुटिया के लड़का जिसका नाम पवन कुमार गुप्ता और एक उसी मोहल्ले के निवासी जो नाम हमको नहीं पता, दोनों की मौत हो गई। हम लोग आगे यहाँ देखे तो इनका पोस्टमार्टम करा के हम लोग लेके जाते। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड से है। यहाँ जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक लेते हुए जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने जल जीवन मिशन योजना कार्यों को जून तक पूर्ण करने के निर्देश कार्यदायी संस्थाओं जल निगम और जल संस्थान को दिए। बैठक लेते हुए जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने जल जीवन मिशन योजना कार्य को जून तक पूर्ण होने के लिए निर्देश दिए। कहा कि JJM के जो कार्य पूर्ण हो गए हैं उनकी सूची थर्ड पार्टी को निरीक्षण हेतु शीघ्र भेजें और थर्ड पार्टी कार्मिकों को निर्देश दिए कि वो तुरंत कार्यों का निरीक्षण कर रिपोर्ट कार्यदायी संस्था को दे, ताकि जो भी कमियां हों निशीघ्र निस्तारित कर कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जा सके। उत्तराखंड से सी न्यूज संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। दमोह में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में धर्मतंत्र से लोक शिक्षण का अभियान संपूर्ण विश्व में गति पकड़ चुका है। इसी क्रम में आज सुबह 7 बजे से समस्त गायत्री परिजन स्थानीय फुटेरा तालाब पर घाट की सफाई को लेकर एकत्रित हुए। सभी भाई बहन घाट पर तालाब में उतरकर जलकुंभी, पॉलिथिन और अन्य बड़ी गंदगी बाहर निकालते रहे और श्रृंखला बनाकर नगर पालिका के कचड़ा वाहन पर डालते रहे। कचड़ा वाहन लगातार खाली होकर आता रहा और ये क्रम लगभग 1.5 घंटा चला। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है। गाजीपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 75 लोकसभा भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में सैदपुर के टाउन नेशनल इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा, देश का स्वाभिमान बढ़ाने वाले, सुरक्षा और कानून का राज स्थापित करने वाले, बेटियों व्यापारियों की सुरक्षा के लिए संकल्पित रहने वाले भाजपा सरकार को 1 जून को कमल का बटन दबाकर चुने। और सीएम ने निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व में कांग्रेस और सपा की सरकारों ने देश का सम्मान बेचा है, जो खुली जीप में घूमकर असलहा लहराते हुए हिंदुओं को डरा के वातावरण में जीने को मजबूर करते थे। अब ऐसे लोगों पर हमारी सरकार का बुलडोजर चल रहा है, उन्हें निस्तनाबूत कर दिया गया है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप यूपी में देख सकते हैं। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, संचालन महामंत्री दयाशंकर पांडे, मौके पर भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय ने हनुमान जी का गदा भेंट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सम्मान किया। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।